A very good afternoon, dear children. How are you all? I hope all of you are doing so good. So, welcome to computer class. Okay? So, today we will do the rest of the two topics of chapter 5. Chapter 5 using the keyboard. Okay, तो dear children, हम अभी ये chapter में keyboard के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, right? तो अभी तक हमने keyboard के बारे में, cursor के बारे में, types of keys हम लोग पढ़े हैं और types of keys में एक special keys भी होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे special keys आते हैं जैसे स्पेस बार की, एंटर की, एरो कीज, है ना? तो ये कीज के बारे में हमने वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड अप टू एरो कीज. ओके, एरो कीज तक हमने कंप्लीट किए हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैकस्पेस की. Backspace key. Okay, so let's read it first. The backspace key, look at this, is used to erase anything typed left to the cursor. It erases one letter at a time. For example, to correct the spellings of computer to computer, follow these steps. Number one, place the cursor after the second T. Number two step, press the backspace key. The extra T is erased. Look at here. Okay. अब backspace key का क्या काम है? I'm going to explain it to you. Okay. सो ये तो पता है आपको, दिस इज योर कीबोर्ड. ओके, ये कीबोर्ड है हमारा और आप लोग देखो, दिस इज योर बैकस्पेस की. बैकस्पेस, इट इज रिटन हियर बैकस्पेस. दिस इज बैकस्पेस की और एक ही बैकस्पेस की होती है कीबोर्ड में. अंडरस्टैंड? चलो, जैसे हम लोग अगर वेन एवर वी राइट इन आवर कॉपीज और बुक्स, तो कभी कभी स्पेलिंग्स मिस्टेक होती है, राइट? अगर मिस्टेक होती है तो हम लोग ऑफकोर्स किससे इरेज करते हैं? टेल मी, किससे हम लोग इरेज करते हैं? ऑफकोर्स रबर से. रबर से हम लोग इरेज करते हैं ना, जो भी स्पेलिंग गलत होती है तो हम लोग उसको इरेज करते हैं और फिर से हम लोग राइट करते हैं, राइट? तो इसी तरह से सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये बैक स्पेस की जो है, इसका काम भी है सिर्फ इरेज करना, मिटाना ही बैक स्पेस की का वर्क होती है. अंडरस्टैंड? अब कैसे, हम आपको बताने जा रहे हैं. बैकस्पेस की अब देखो, इट इज यूज्ड टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड लेफ्ट टू द कर्सर. अब सबसे पहले आओ यहाँ पे, कर्सर क्या है? कर्सर मैंने आप लोगों को बताया था कर्सर क्या है, राइट? हाँ, कर्सर हमको क्या हेल्प करती है कि कर्सर एक ब्लिंकिंग लाइट है. जब भी हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं तब हम लोग को जब कोई राइट कर हम लोग टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो एक ऐसे ब्लिंकिंग एक लाइन दिखती है जो हमेशा ब्लिंक करता रहता है. ओके, और उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे लिखना है हमको पोजीशन पता चलती है और हम लोग उसी पोजीशन में लिखते हैं. ओके, तो अब हमको देखो बैकस्पेस की का यूज कैसे करना है. बैकस्पेस की उस
कुछ भी इरेज कर सकते हैं। टाइट लेफ्ट टू द कर्सर। देखो आप लोग, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड हुआ एंड दिस इज माय राइट हैंड। तो बैक स्पेस की जो है, हमेशा जो ये कर्सर से जो लेफ्ट तरफ लिखा रहता है, इधर इधर जो इधर देखो आपको इधर इधर लिख रहा है ना, इसको क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, अंडरस्टैंड, इसको डिलीट करते हैं, अंडरस्टैंड। तो हमको अगर सपोज हमने कंप्यूटर में टाइप किया, अगर गलती से हमारा कंप्यूटर का स्पेलिंग CUMPUTER कंप्यूटर हो गया, ओके आप लोग देखो यहाँ पे क्या गलती है। What's the mistake here is, in computer there shouldn't be double T. Computer में double T नहीं होता है, computer में only single T. तो हमको ये correct करना है, इसको हमको फिर से recorrect करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग with the help of mouse की मदद से cursor को यहाँ पे ले जाएंगे। देखो ये cursor, this is a cursor. Cursor हमेशा लेटेस्ट के आगे आगे रहते हैं, ओके पर अगर यहाँ बीच में गलत हुई तो हम लोग माउस की मदद से कर्सर को यहाँ पे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गलती है तो हमको इसको इरेज करना है, राइट। इसको इरेज करना है, हम लोग कर्सर को यहाँ ले जाएंगे और बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे, तो ये टी इरेज हो जाएगी और हमारा स्पेलिंग फिर से करेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर, अंडरस्टैंड। और बैक स्पेस की एक बार में सिर्फ एक ही लेटर को इरेज करती है, अंडरस्टैंड। इसी तरह से हम लोग अगर कोई भी स्पेलिंग्स मिस्टेक होगी तब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कर्सर को उस स्पेलिंग के पास ले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ माउस और बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे, वो एकदम से डिलीट हो जाएगी, इरेज हो जाएगी, ठीक है। तो बैक स्पेस की का काम ही है इरेज करना, अंडरस्टैंड। नाउ लास्ट वी हैव डिलीट की। कौन सा की है, डिलीट की। डिलीट मतलब क्या होता है बताइए, डिलीट करना भी, उसको मिटाना ही होता है, ओके वहाँ से हटाना, ओके ओके। डिलीट की पढ़ने से पहले हमेशा आप लोग याद रखो कि जो बैकस्पेस की है ये हमेशा ही आपका जो कुछ भी एनीथिंग मतलब कुछ भी डिलीट इरेज करते हैं जो लेफ्ट की तरफ होती है इसकी, ठीक है। देखो आप लोग यहाँ पे बता दे, देखो हमको अगर इसको इरेज करना है तो कर्सर यहाँ पे लाएंगे, ओके ये कर्सर यहाँ पे लाएंगे और बैक स्पेस की से हम लोग टाइप करेंगे, ओके प्रेस करेंगे बैक स्पेस की में टाइप करेंगे तो लेफ्ट की तरफ इधर 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 लाइक दिस ये इरेज होता जाएगा, ओके जस्ट रिमेंबर दिस। After this, delete की पढ़ेंगे।